أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوبروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. बेशक हमने आपको रसूल बनाकर भेजा, शाहिद गवाह बनाकर भेजा आपको, खुशखबरी देने वाला बनाकर और डराने वाला बनाकर भेजा. तो ये फ़राइज़ आपके हैं कि आप गवाही देने वाले, उम्मत पर गवाही देने वाले, हक की उम्मत को बशारत देने वाले हैं और उम्मत को डराने वाले हैं, ताकि उम्मत को फरमाए ताकि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ और रसूल की मदद करो और उनकी तज़ीम, उसकी उनकी अज़मत रखो और अल्लाह की पाकी बयान करते हो सुबह और शाम. बेशक जो लोग आप से बैत कर रहे हैं वो अल्लाह से बैत कर रहे हैं, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है. अब जो भी इस कौल क़रार करके तोड़ डालेगा तो उसका ही अपनी जान का नुकसान होगा, और जो कोई इस अहद को पूरा करेगा तो अल्लाह तबारक तआला इनको अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा. वही सूरह मोहम्मद, सूरह फतेह की आयतें चल रही हैं आपके सामने, तो सब बैकग्राउंड तो बहुत तफसील से आ चुका है. अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको उम्मत के आमाल पर गवाही देने वाला, यहाँ तो आप जो है अल्लाह की बात पेश किए, फिर आपके सामने उम्मत के आमाल पेश किए जाते रहते हैं, तो उम्मत क्या कर रही है क्या नहीं, इस पर आप कल गवाही देंगे, ये बात भी. और ईमान और जो कबूल करने वाले हैं आपकी दावत को, उनके लिए बशारत देने सुनाने वाला और जो इनकार कर उनको डराने वाला बनाकर भेजा है. अरे मुसलमानों ने हम रसूल को भेजा है कि ताकि तुम अल्लाह पर, इसके रसूल पर ईमान लाओ और अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद करो और अल्लाह की तज़ीम करो और अल्लाह की पाकी सुबह और शाम बयान करते रहो. इसकी पाकी से मुराद सुबह शाम से मुराद नमाज भी सब आ गई उसके अंदर, तमाम नमाजें सुबह शाम से मुराद पूरे चौकात हो गए, इसलिए तमाम नमाजें आएंगी उसके अंदर. जो लोग आपसे बैत कर रहे हैं, यानी बैत कर चुके हैं, बैत कर रहे हैं लफ्ज़ हैं यहाँ पर, इन लोग युवाओं ने कर रहे हैं, प्रेजेंट इस्तेमाल किया है, लेकिन जो बैत कर चुके थे, जो लोग आपसे बैत कर चुके हैं कि हम अल्लाह के नाम में लड़ेंगे भागेंगे नहीं, ये बैत थी, तो वो वाकई में अल्लाह ताला से बैत कर रहे हैं, क्योंकि मकसूद आपसे इस पर बैत करना है कि अल्लाह ताला के अहकाम बजा लाएंगे. ये गोया आपका हाथ गोया अल्लाह का हाथ, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है. जो शख्स इस अहद को तोड़ डालेगा इताअत करने के बजाय मुखालफत करेगा तो उसका उबाल उसी पर होगा, जो शख्स को अहद को पूरा करेगा तो अल्लाह ताला अनकरीब उसको बड़ा अजर अज़ीम देंगे. साबिक आयत में अल्लाह ताला के इनामात का जिक्र था जो नबी सल्लम पर और आपकी उम्मत पर हुए थे. चूँकि इनामात का अता करने वाला अल्लाह है और वास्ता नबी, इस मुनासिबत से आयत में इन अल्लाह नबी के हुकूक और तज़ीम तकरीम का जिक्र है. अव्वल अल्लाह के खिताब फरमाया कि आपने तीन सिफतें बयान की, शाहिद, बशीर और नज़ीर. शाहिद के माने गवाही देने वाला, आप उम्मत को हक बात की गवाही दी, पहुँचाए उम्मत, उम्मत तक बात को पहुँचाना ये आपकी ज़िम्मेदारी थी. तो कितनी मुश्किलें उठाए, जान को जोखिम में डाल अल्लाह के रसूल, उजी तो फिल्ला माला उजाहर उखी तो फिल्ला माला उखा, मुझे अल्लाह ने इतना डराया गया, किसने डराया गया, इतनी इज़ा दी किसी को इज़ा नहीं दी गई अल्लाह ने फरमाया. तो ऐसे इसमें जो है आप जो है जो अल्लाह का पैगाम आया था पूरी तरह पहुँचा है, ये गवाही आपने दी दी. कुछ जो लोग उसमें जो ईमान लाने वाले थे उनको बशारत दी आपने, जो इनकार कर रहा है तो कल भी आप गवाही देंगे. अल्लाह मैंने जो है इनको पैगाम पहुंचा दिया था, इनको पैगाम मैंने पहुंचा दिया, कल अल्लाह के सामने गवाही देना पड़ेगा. उसके बाद इस उम्मत को भी ये तकुनु शुहदा अलन्नास, ताकि उम्मत पूरे इंसानों पर गवाह बने. तो तुम्हारा इस उम्मत का काम भी है कि पूरे इंसानों के लिए गवाह बनकर खड़े हो जाए, ज़बानी तौर पर भी, अमली तौर पर.
ज़बानी तौर पर भी उम्मत का काम यह है कि वो पूरे इंसानों तक इस दीन को पहुँचाए और अमली तौर पर भी करके दिखाए कि इस तरह से अमल किया जाता है। तो उम्मत ना ज़बानी तौर पर करी ना अमली तौर पर कर दे, बहुत अफसोस की बात है। ये तकून शहदा अलन्नास, देखो मैं रसूल रही रसूल तुम पर गवाह हो, तुम अब उसके बाद कोई रसूल आने वाला नहीं, क्या करना। रसूल जब तक थे उम्मत पूरे इंसानों को पहुँचाए उस जमाने के इंसानों तक, उसके बाद पल युबल्लिग शाहिदुल गायब, जो यहाँ मौजूद है गायब तक पहुँचाए, उनके ज़रिए से पहुँचता पहुँचता हमारे तक आ गया। अब बहुत से लोग उसमें नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग उन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी है। दूसरे के सुबह शाम अल्लाह के सामने फरिश्ते उम्मत के आमाल पेश करते हैं, तो तीन अल्फाज हैं, तुवज़्ज़िरुहु तुवक्किरुहु तुसब्बिहु, ताकि तुम अल्लाह रसूल पर ईमान लाओ। तो अब ये तीनों अल्फाज किसके लिए हैं, कि अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह रसूल के लिए हैं। तो पहले दो अल्फाज तुवज़्ज़िरुहु व तुवक्किरुहु, ये अल्लाह के लिए की मदद करो और उनकी ताज़ीम करो, ये अल्लाह के लिए। और तो सब भी होकर तुम वसीला और अल्लाह की पाकी बयान करो, सब भी वो नबी के लिए नहीं आ सकते, ताकि तुम पाकी बयान करो अल्लाह की वस्तु से। तो एक आयत के अंदर दो अलग अलग ये होते हैं करके कुछ लोगों ने सबको अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया है या सबको रसूल इस्तेमाल किया, लेकिन ये तो सब भी वो रसूल इस्तेमाल हो सकता नहीं, पाकी बयान करना सिर्फ अल्लाह के लिए। अब जो बात दूसरी आ रही है कि इन अलजी ने युबायू नक, इसके बाद बैत का जिक्र है जिसका किस्सा हुदैबिया के जुज़े दो हमें गुजर चुका है। इस बैत अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल के हाथ पर बैत की, चूँकि मकसूद इससे अल्लाह के काम की तामील करना है, कोई अल्लाह से करना है। रसूल एक एजेंट, कोई कंपनी का एजेंट आता है, मैं सब करता हूँ कंपनी के लिए, करता था ना वैसे वैसे कंपनी की तरफ से उन्हें सब सिग्नेचर करता है, सब सिग्नेचर करता है। तो वैसे ही आप अल्लाह के काम पर, क्या आपने चलो बोले थे कि अल्लाह के काम पर चलाना है, अल्लाह की फूल करना है। जब उन्होंने अल्लाह के रसूल के हाथ पर बैत की, वो अल्लाह के हाथ पर बैत की, अल्लाह का हाथ क्या है मालूम नहीं, मुशाबियात में से किसी कैफियत और हकीकत किसी को ना मालूम है और ना मालूम के फिक्र में रहना है हम लोग। तो बैत के माने क्या, असल में बे बात माने बेचना, लोग खरीद कर ले बा मार चल ले छोड़ जाने इतिक दे इतिक ले पैसा उन्हें। तो जो खरीद फोर करने वाले थे हाथों पाथ मारते थे, चलो बैत हो गई तो देता हूँ पैसे ले जाता हूँ। तो वैसे ये बैत क्या है, खोलो, उसके माने असली माने तो वह हैं, मजाजी माने क्या, कौल करार करना, अहद करना, किसी बात का प्रॉमिस करना। इसका कदीम तरीका बाहम हाथों पर हाथ रखना था, अगर अगरचे हाथ रखने शर्त नहीं है, ज़रूरी नहीं, तुम्हें बैत करे हाथ में नहीं लिए, हाथ में हाथ नहीं लेते भी बैत हो जाती। और औरतों को हाथों में हाथ नहीं लेना है मालूम है, लेकिन किसी हाथ किसी औरतों को हाथ में हाथ नहीं लिया। एक हाथ आ गया आपके साथ, पूछे किसका हाथ है, मर्द के पर्दे किस में से आ गया, किसका हाथ है, मर्द कहेगा औरत का हाथ है, तो औरत का पूछे औरत, अरे फिर औरतें तो हाथ में नहीं लगाने हैं, कैसे मालूम होना चाहिए, जाओ मैं औरतों को हाथ से बैत नहीं लेता, ज़बानी बैत लेता हूँ। तो वही कोई पीर अगर जो है लोगों से हाथ हाथ मुसाफा करता है तो कैसा हो सकता है, बोलो वो पीर का जो है खलीफा कैसा हो सकता है, ज़रा सोचो। उन्हें मोबाइल लेकर गया, मोबाइल में बयान कर रहा है, मोबाइल देखो बयान कर रहा है, कल थे ना लोग कौन थे, गए थे कोई नहीं थे कल वहाँ, मोबाइल देख को बयान कर रहा है। मैंने इल्म सीने में होता है कि मोबाइल में होता है, कैसे कैसी है चीज़ें हैं क्या है, ये पूरे हाफिज़ा कुल्लु हाफिज़िन जाहिल, जो ना जाहिलों के मुर्शिद अजहल, जाहिलों का मुर्शिद उससे ज़्यादा जाहिल होना पड़ता है। वो मोबाइल लग लग बड़ बोल रहा हूँ, मोबाइल लग लग बड़ बोल रहा हूँ, क्या है क्या तमाशा है, क्या चला हुआ है, कहाँ कहाँ किसी कहाँ कहाँ इमाम करते हैं, सब बोले खींच को लगाई सोचो क्या है। तो बद किसी खास अहद का नाम नहीं, बल्कि इसका कदीम मनसून तरीका हाथ पाथ देना था ऐसा। बहरहाल जिस काम के लिए किसी ऐसे किया जाए इसकी पाबंदी शरण वाजिब है और ख़िलाफ़ वर्जी करना हराम है, इसलिए जो फरमाया कि जो शख्स बैत को तोड़ डालेगा उसका नुकसान खुद करेगा। अल्लाह रसूल क्या नुकसान होता क्या, अल्लाह खुद नुकसान नहीं होने वाला है, अल्लाह रसूल का इसको कुछ नुकसान नहीं पहुँचेगा, जो हद को पूरा करेगा तो हाँ पूरा कराने हद को अल्लाह उसको अजर अजीम देंगे। तो यहाँ बैत की बैत का सबूत कुरान से है, बैत करते हैं ना, बैत करते हैं क्या बैत क्या है, कभी इसने कुरान को बोलकर देखा नहीं,
तो बैत किस बात पर लेते? अल्लाह के रसूल जो मुख्तलिफ मकाम पर मुख्तलिफ ईमान के लिए बैत लिए, ईमान इस्लाम के लिए बैत लिए। औरतों की बैत सूरह मुमतना के अंदर आता है कि जो है शिरक नहीं करेंगे, कोई जो है चोरी नहीं करेंगे, जना नहीं करेंगे, कोई बोहतान नहीं तराशेंगे, वो बैती उनकी थी। तो हर एक जो है अलग वाक़ अलग थे। उसके बाद वही बैत जो है खुलफा राशिदीन अपनी इतिहाद की बैत लेगा, खलीफा है तो वोट डालते हैं हमें उनका, तो वो भी एक तरह की जो बैत है उस तरह की वोट था। अब उसके बाद जो है खुलफा सियासी कामों में लगे रहे, तो दूसरे लोग सोचे उम्मत की सलाह कैसा करना है, कुछ बुजुर्गों का ख्याल आया। तो अल्लाह के रसूल नेक अमाल पर बैत लिया करते थे, बुराई छोड़ने पर बैत लिया करते थे, शिर्क मत करो, जिना मत करो, चोरी ना करो, यह तो साफ ही। तो किसी के दिल में आके हमें ऐसे बैत लेना चाहिए, तो ये सिलसिला चलाओ। वही जो बुजुर्ग ने बैत ले रहे हूँ, बैत लेने के बाद क्या है, आदमी कौल करार करता है, अरे मैं कौल करार जी हूँ बुजुर्ग गुरु सामने, इसके वास्ते मैं खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। ईमान तो है ही, ईमान लाकर सब करना है, सब बुराई को छोड़ना है और नेक अमल करना है। उसी का बाद और एक बार इकरार कर लेता जो है सारी बुराई छोड़ूंगा और शरीयत पर अमल करूंगा, ये बैत है। और बैत के ताल्लुक से जो है 70 के ऊपर हदीसें हैं। क्या बोलना चाहिए ना, उसने कुरान जो बैत का इनकार करना है, कुरान पढ़ना हदीस पढ़ा, और क्या बोल सकते हो। बैत करते क्या कि बैत करते सब लोग कैसा क्या वो कहाँ है दिन में, दिन में बैत नहीं है दुनिया में, और क्या दिन में कैसे कैसे जुहला पाए जाते हैं, देख रहे हैं आप। कुछ लोगों ने बैत कर लिया तो होगा, समझ लो वैसा नहीं है, बैत को पूरा करना ज़रूरी है। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इसलिए बैत किया करते थे कि जो है बैत करने के बाद जो है आदमी पाबंद बने, तमाम गुनाह हमारे मौलाना साहब की बैत थी, उसका पूरा वाकया मैं लिख रखा हूँ, जो सारे गुनाहों को छोड़ूंगा, शिरक ज़िंदगी बनाऊँगा, बस एक दिख जुले पूरा आ गया, पूरे गुनाहों को छोड़ना, शिरक ज़िंदगी बनाना है। तो अल्लाह के रसूल जो जैसे जैसे हालात रहते वैसे बैत करते। अब यहाँ जो बैत हुई थी हुदैबिया के मौके पर जो बैत हुई थी, वो बैत हम अल्लाह के राह में क़िताल करेंगे, जिहाद करेंगे, भाग कर नहीं जाएंगे, ये बैत। तो अल्लाह ताला हमको दीन के अहकाम जानने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़ीना अज़ाबन नार। अंता वलीयुना फिद्दुनिया वल आखिरा, तवफ्फना मुस्लिमीन वल्हिक़ना बिस्सालिहीन। إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.